नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में है टारगेट रेलवे एग्ज़ाम का, रेलवे की महत्वपूर्ण जीके जो आपको आनी ही चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस वीडियो का पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो इस प्रश्न का आंसर है 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद अगला प्रश्न, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर है त्रिवेंद्रम में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न, झुकी मीनार कहाँ स्थित है? दोस्तों झुकी मीनार है इटली में। इसके बाद अगला प्रश्न, स्वतंत्रता समानता बंधुता कहाँ की क्रांति का नारा था? दोस्तों यहाँ का किस कहाँ का, यह फ्रांस की क्रांति का था। इसके बाद अगला प्रश्न, विटामिन के का संबंध किस से है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है रक्त के धब्बे से। इसके बाद अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के रूप में कौन जाने जाते हैं? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है लाला लाजपत राय। इसके बाद अगला प्रश्न, लोक अदालतों के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है जिला न्यायाधीश करता है। इसके बाद अगला प्रश्न, कैलामाइन ऑस्कर किसका स्रोत है? इस प्रश्न का आंसर है जास्ता का। इसके बाद अगला प्रश्न, गेहूं के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है दोमट मिट्टी। इसके बाद अगला प्रश्न है, तत्व का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है परमाणु होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, चंबल नदी पर स्थित जलाशय को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका नाम है गांधी सागर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस से प्रभावित होती हैं? इस प्रश्न का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। इसके बाद अगला प्रश्न, वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का आंसर है ग्लोबल वार्मिंग। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत की पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाती है या जानी जाती है? तो इसका है आंसर है कोरोमंडल के नाम से जानी जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना कौन सी नदी पर है? तो इस प्रश्न का आंसर है नर्मदा नदी पर। इसके बाद अगला प्रश्न, घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? दोस्तों घड़ी में होती है स्थिर ऊर्जा। इसके बाद अगला प्रश्न, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दोस्तों इसका आंसर है 552। इसके बाद अगला प्रश्न, गुप्त शासकों द्वारा जारी की गई चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है रूपक कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों भारत की संसद के पास। इसके बाद अगला प्रश्न है, राज्य हड़प नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक दोस्तों हैं बकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद अगला प्रश्न, द विक्स ऑफ फायर इन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का आंसर है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम हैं इस पुस्तक के लेखक। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नारा करो या मरो को किसने दिया था? करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों महात्मा गांधी जी ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इस प्रश्न का आंसर है सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद अगला प्रश्न, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? इस प्रश्न का आंसर दोस्तों हीमो
हीमोग्लोबिन के कारण। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है अटलांटिक महासागर। इसके बाद अगला प्रश्न, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी किसने बनाया था? इसके प्रश्न है आंसर है दोस्तों राजा जयसिंह ने बनाया था। इसके बाद अगला प्रश्न, मानव शरीर के प्लीहा को क्या कहा जाता है? मानव शरीर के प्लीहा को कहा जाता है रक्त आरक्षक बैंक। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत के बृहत्तम सिंचाई क्षेत्र के दायरे में क्या आता है या सर्वाधिक सिंचाई किस में होती है? इसका आंसर दोस्तों चावल में होती है सर्वाधिक सिंचाई। इसके बाद अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, एक आदर्श धारा मापी का क्या लघु होता है? एक आदर्श धारा मापी का क्या लघु होता है? दोस्तों इसका आंसर है प्रतिरोध। इसके बाद अगला, इसके साथ ही यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।